सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और अभी भाई आज क्रिसमस है यहाँ पे यूएस में, काफी जश्न बाहर से मना रहे हैं। तो सोचा मतलब आज का दिन काफी लेजी हो रखा था, मतलब सुबह से कुछ नहीं किया, बस पड़े हुए बिस्तर हूँ। बंदा मैं यहाँ पे व्लॉग बना रहा हूँ, मेरा रूममेट मेरी वीडियो बना रहा है। तो भाई आपको क्रिसमस इन द पार्क लेके चलते हैं, आपको सैन होजे सिलिकॉन वैली की फील दिलाते हैं कि यहाँ पे कैसा क्या माहौल है आज के दिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे अभी 7 बज चुके हैं, ये मेरी बिल्डिंग है, इस पे मैं यहाँ पे रहता हूँ। और अभी मतलब ये रोड पार करने के लिए देखो यहाँ पे इसको प्रेस कर दो, ये बोलता है वेट, और फिर ये बटन जो अभी ये रेड हो रखा है सामने हादसा, ये वाइट हो जाता है, उसके बाद रोड क्रॉस करना है। और इसको पार करते ही आ गई, मतलब यहाँ पे नज़दीक ही क्रिसमस इन द पार्क बना रखा है। ये SJSU का बॉक्स ऑफिस है, मतलब कुछ नहीं आ रहा, पार कर ही लेते हैं। वैसे अभी ऑरेंज होगी तो अभी ग्रीन मतलब बंद भी हो जाएगी, और देखो स्टार्ट होके ऐसे ट्यू 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 बजने लग जाता है ये इधर। भाई मतलब ऐसे क्रिसमस के लिए नहीं, ये लाइटिंग तो यहाँ पे नॉर्मली भी रहती है। चलो आपको अभी आगे चलते हैं, फिर ही दिखेगा असली चीज़ क्या है। ये आगे से देखिए भाई, ये जो थिएटर सेंटर जो पीछे से था, ये इस तरफ से फूल वूल लगा के नॉर्मली मतलब ये रोड इतने साफ वगैरह रखते हैं भाई, इतना प्यारा लगता है ये रोड क्रॉस करके। सामने वो आपको थोड़े झूले टाइप से दिखाई दे रहे हैं, वहां पे जाना है हमें। और इधर यार एक चीज जो सबसे प्यारी है ना, कि लोग रुकते हैं आपके लिए। जैसे अभी मैं क्रॉस करूंगा, ये बंदा यहाँ पे रुक जाएगा। अपने इंडिया में तो ऐसे बकने लग जाते थे, यहाँ पे पहले रोड क्रॉस करेंगे, उसके बाद यहाँ से ट्रैम चलती है, जो रोड पे ट्रेन सी मेट्रो सी चलती है। चलो आगे चलते हैं अभी। तो यार यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट होते ही आप गाड़ी देखो कितनी क्लासिक गाड़ी आ रखी है। इधर से भाई ये मतलब झूले वूले लगा रखे हैं, मेरी आवाज़ कम आए तो आप लोग देख लें, थोड़ा आवाज़ के साथ फिर कर देंगे चेंज वगैरह। यहाँ पे फूड स्टॉल्स वगैरह लगा रखे हैं, इस तरफ ये बच्चों का झूलने का बना रखा है। देखो भाई कितनी भीड़ है, और ऐसा मतलब यहाँ पे 1 दिसंबर से कर रखा है इन लोगों ने। ये वो बंदूक से भाई ये फोड़ने वाला सिस्टम, और फिर ये सब गिफ्ट वगैरह मिलते हैं। तो यार यहाँ पे ये मेन डाउनटाउन का एरिया है, इसको पूरा सजा रखा है, काफी दिनों से सजा रखा है। मतलब देखो आगे क्रिसमस ट्री वगैरह लगा रखे हैं, आपको स्टार्टिंग से जाके बीच में से और एंड तक दिखाता हूँ मैं। ये साइडों में भाई फूड स्टॉल्स वगैरह लगा रखे हैं, पीछे काफी तेज म्यूजिक वगैरह बज रहा है, तो आगे चलते हैं वरना कॉपीराइट आ जाएगा इधर। तो भाई ये मतलब बीच में जो पार्क बना रखा है उसके दोनों तरफ फूड स्टॉल्स वगैरह इतने लगा रखे हैं, थोड़ा उस तरफ देखेंगे तो कपड़े वगैरह के स्टॉल्स वगैरह भी लगा रखे हैं। मतलब भीड़ यहाँ पे 1 दिसंबर से ही लगातार इतनी ही भीड़ है, और आज तो मतलब मेन डे है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होनी ही है। कि इस तरफ देखो कपड़े वगैरह की शॉप है, ये यहाँ पे खाने का ही पूरा कर रखा है भाई। आपको अब स्टार्टिंग से उस पार्क में जाके उस तरफ से दिखाता हूँ। तो यार ये यहाँ पे आगे से स्टार्ट हो जाता है। ये इस तरफ देखो भाई सेंटा क्लॉज के डोगे वगैरह है, ये इतने सारे डोगे वगैरह, और इस तरफ ये कितनी बड़ी बॉल बना रही है। देखो भीड़, इतनी भीड़, अब इसको पार करके बिल्कुल उस तरफ जाएंगे। इस तरफ देखो पूरे में छोटे छोटे पेड़ इतने सारे पेड़ लगा रखे हैं भाई। मेरे को लग रहा है मैं दूसरी उल्टी तरफ से जा रहा हूँ, क्योंकि इस तरफ से सब लोग वापस ही आ रहे हैं। छोटा
ये देखो भाई, ये इन्होंने घर वर बना रखे हैं सेंटा क्लॉज का, एल्फ विलेज। एल्फ बोल रहे तो भाई अपने बोनो का विलेज बना रखा है। और यहाँ पे भाई अपने मोस्टली इंडिया वाले काफी ज्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सबकी छुट्टी पड़ गई है। उधर से वो देखो, ये इस तरह भाई छोटे छोटे घर बना रखे हैं लगातार, ये जैसे हाउस ऑफ वोंग का, ये पता नहीं किसका हाउस उस तरफ लिखा होगा इधर कहीं पे। और पीछे झूले वगैरह हैं बच्चों के मोस्टली। अच्छा, ये इस तरफ से जो ये गेट सा लगा हुआ, इस तरफ से इसका एग्जिट होगा क्योंकि मैं दूसरी तरफ से घुस गया और इस तरफ से सब लोग इधर ही आ रहे हैं। देखो भाई इस तरफ से ये क्रिसमस ट्री आ गया, ये इधर से इसका गेट था और मैं यहाँ पे वही एग्जिट से घुस गया। अब ये बीच में लेके चलते हैं, आपको बीच में दिखाते हैं। इधर भाई ये इधर भी मतलब ये एक गोल इलाका है, इसमें एक तरफ ये बीच में क्रिसमस ट्री बना रखा है पूरा बड़ा, जिसके अंदर भी जाके लोग बाग फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। उस तरफ वो एक व्हील बना रखा है और मतलब साइड में तो ये बच्चों के खेलने कूदने का, और लोगों ने अपने स्टॉल्स वगैरह ज़्यादा लगा रखे हैं। मतलब आज क्रिसमस का डे है, वरना यहाँ पे भाई 1 दिसंबर से ऐसा सजा रखा, और स्कूलों के बच्चे वगैरह इसमें, ये कम्युनिटी स्टेज है, इसमें परफॉर्म वगैरह करने आते थे। ये देखो अंदर से दिखाते हैं आपको, देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो भाई ये रंग भी बदलता है। और इस तरफ ये इंफॉर्मेशन बूथ बना रखा है, किसी को कुछ भी जानना वगैरह हो मतलब कैसे क्या है। ओहो नीचे यार बारिश हुई होगी पहले, मतलब मैं तो अभी निकला था कमरे से। ये इधर भाई बियर और वाइन का बना रखा है, इस तरफ देखो ये इसको सजा रखा है। मतलब भाई अपने वहाँ पे जैसे मेला सा लगता था ना, यहाँ पे मेला लगा रखा है, और ये मेला यहाँ पे 1 दिसंबर से लगातार लगा ही हुआ है। ये देखो उधर भाई पेड़ कैसे सजा रखे हैं, और ये इस तरफ सैन होजे म्यूजियम वगैरह है, और आगे मतलब थोड़ा चल के चर्च वगैरह भी, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होगी, मतलब हम लोग तो करेंगे भी क्या ही करेंगे। ये भाई यहाँ पे हिल्टन होटल है, इन्होंने लाइट से ऐसे जानवर बना रखे हैं। तो गाइस आपने देखा इतना मतलब रंग लगा रखा है, सब लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं, प्यार से अपना फेस्टिवल मना रहे हैं। और अपने इंडिया में क्या होता है भाई, जैसे ही होली दिवाली आ जाती है तो सब लोग शुरू हो जाते हैं होली पे पानी मत डालो, दिवाली पे पटाखे मत छोड़ो। भाई ये लोग भी तो मतलब 15-20 दिन से ये लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, इतने पेड़ काट के इतने पेड़ लगा रखे हैं, और सब लोग अपना इंजॉय कर रहे हैं। भाई हमें भी मतलब ऐसे ही इंजॉय करना चाहिए, लेकिन भाई एक आधे अपने वहाँ पे इतने ज्ञान के वो बनते हैं ना, मतलब लोग हैं क्या ही बताऊँ आपको, आप खुद समझदार हैं। तो देखो भाई इतना मतलब प्यारा वो कर रखा था इन लोगों ने, और अपने वहाँ पे तो कुछ भी मतलब अच्छा करने की वो करो, एक आधा खिचड़ी में वो करने वाला आ ही जाता है। तो गाइस अब के आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, अभी जाके अपना खाना पाना करना पड़ेगा भाई, अंडे की ऑमलेट वगैरह बनाने का प्लान है, बाकी तो मेरे पास ऐसा कुछ सामान बचा नहीं है। देखो पेड़ वगैरह कितने सही लगते हैं ऐसे।
तो चलिए गाइज आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।